हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रेया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ग्रैनी ट्री क्लाइंबिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपको इसका पूरा सोल्यूशन देने वाले हैं हॉट्स के आगे वाला। फ्रेंड्स, हमने ए और बी पहले ही करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वो वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी, 6-7 मिनट से ज़्यादा हो गई थी, तो हमने उसको आगे उसका नहीं बनाया था क्योंकि आप लोग लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते और ये वीडियो भी हमारी 4 से 5 मिनट की ही होने वाली है। तो फ्रेंड्स, टाइम ना गवाते हुए इस चैनल पे हम जो ये नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपने अगर वो वाली फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल स्टडी विद श्रेया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आता है हॉट्स का। द पोएट से एवरी ब्रीज विस्पर्ड ऑफ समर एंड डांसिंग लीव्स, डिस्कस विद योर पार्टनर हाउ ब्रीज कैन विस्पर एंड लीव्स डांस, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन हेयर। फ्रेंड्स, चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह है। वेन द कूल समर ब्रीज इट अपीयर दैट इट वॉन्ट्स टू कन्वे अ मैसेज टू अस, थस इट कैन बी सेड टू विस्पर इन योर रेस्टिंग विथ ईच अदर एंड चेंजिंग डायरेक्शन, इट कैन बी सेड टू विस्पर इन योर ईयर्स, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हेयर इज पर्सोनिफिकेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा पर्सोनिफिकेशन क्या है। पर्सोनिफिकेशन वो है कि एक नॉन लिविंग थिंग है जिसको लिविंग थिंग के द्वारा किया गया है। जैसे हमने आई ड्रीम अ वर्ल्ड चैप्टर 5 में हमने क्लास 7 में पढ़ा था, उसमें एक लाइन थी द अर्थ विल ब्लेस द ह्यूमंस, ऐसा कुछ था। तो अर्थ तो ब्लेस नहीं कर सकती, ह्यूमन ब्लेस करता है जिसको हमने पर्सोनिफाई किया था इस तरह से, या फिर विचनेस हैंग हर हेड, वो ये दोनों जो लाइन थी वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल थी। फ्रेंड्स, उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा लाइफ स्किल हॉट्स के बाद। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन। ग्रैनी लिव्ड लाइक लिविंग इन अ ट्री टॉप हाउस मेक मोर देन लिविंग इन अ एन ऑर्डनरी हाउस, इफ यू गेट अ चांस टू लिव इन अ ट्री टॉप हाउस व्हाट हैव प्रॉब्लम वुड यू फेस व्हाइल लिविंग देयर एंड व्हाट थिंग्स वुड यू एंजॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा लिविंग इन अ ट्री टॉप हाउस इज क्वाइट अ यूनिक एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, हाउएवर There may be some challenges in living in a treetop house. If I had to live in a treetop house, I would live in the freshness of nature. I would also get to enjoy the melodious, उसके बाद आगे लिखा हुआ है, were blessings of the birds living in the tree. Living in the tree, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्री नहीं लिखा हुआ है, मैंने ऊपर वाली लाइन का ट्री पढ़ दिया था। यहाँ पे सेक्युलिज्म लिखा हुआ है, वुड रिमेन डिस्टर्ब ट्री टू फ्लो माई हार्ट्स पैशन सच एज रीडिंग और रिलैक्सिंग। इसके बाद ये तो हो जाएगा हमारे एडवांटेज और ये हो जाएंगे डिसएडवांटेज। लिविंग इन अ ट्री टॉप हाउस वुड ऑल्सो चैलेंजिंग। फ्रेंड्स, अब ये चैलेंजिंग कैसे होगा? द ग्रेट चैलेंज वुड बी क्लाइंबिंग अप एंड डाउन द ट्री। ये जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हम उस पर चढ़ेंगे कैसे। अगर हम सीढ़ी भी लगाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और उसके बाद उतरने में भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, चढ़ने से ज़्यादा उतरने में मुश्किल होगी। उसके बाद आता है ऑन अ विंडी डे It would get scared of the tree, too much swing of the tree, thus living in tree top house would have both advantage and disadvantage. जो ट्री है उसमें रहने के लिए हमें दोनों, मतलब उसमें हम जब रहेंगे तो हमारे साथ दोनों चीज़ होगी, एक तो हमारे पास एडवांटेज भी होगा और डिसएडवांटेज भी होगा। उसके बाद आप देखते हैं हम अपना वैल्यूज़। वैल्यूज़ है हमारा ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज वेरी डियर टू ग्रैंड चिल्ड्रंस, What all you do to spend quality time with your grandparents? So, as we all know, grandparents are always very dear. Friends, गलती से मैंने यहाँ पर near लिख दिया है, तो आप लोग इसको correct कर लें। चलिए friends, ये correct हो गया, dear to grandchildren. So to spend quality time with them, we can tell them to tell stories of their life.
फ्रेंड्स उनके साथ हम जब अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो हम उनको बोल सकते हैं कि वो हमें अपने जीवन की कोई कहानी सुनाए, देयर एक्सपीरियंस बाय प्लेइंग विद देम ऑल एंड ऑल्सो बाय लर्निंग न्यू थिंग्स फ्रॉम देम विच वी डोंट नो। फ्रेंड्स उनसे हम नई नई चीज़ें भी सीख सकते हैं, जैसे कि कुकिंग, मेकिंग पिकल्स, स्विंग और समथिंग एल्स। वी कैन ऑल्सो गो आउट टू प्लेस वी लाइक पार्क और एल्स, स्पीक टू देम वाई विच दे फील हैप्पी। ग्रैंड पेरेंट्स वॉन्ट अ हैप्पी लाइफ विथ यू, नॉट अ लग्जूरियस लाइफ। फ्रेंड्स ये हो जाएगा आंसर वैल्यूज़ का, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और फ्रेंड्स ये जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में यहाँ मैंने लिखा है कि ग्रैंड पेरेंट्स को एक हैप्पी लाइफ चाहिए, नॉट अ लग्जूरियस लाइफ। फ्रेंड्स आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अपना टाइम दीजिए थोड़ा सा, जिनसे उनको खुशी मिले। फ्रेंड्स ये हो जाएगा पूरा सोल्यूशन चैप्टर 2 का, ग्रैनिट री क्लाइंबिंग। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।